उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया है। गाइस आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ रांची का डोरंडा मेकॉन चौक। आज मैं इस मेकॉन चौक से आप लोगों को लेकर चलने वाला हूँ पूरा डोरंडा फ्लाईओवर का अपडेट देने के लिए। तो वीडियो में बने रहे, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही रांची से हर अपडेट वीडियो आप लोग तक मिलता रहे। चलिए इस धमाकेदार वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को राजेंद्र चौक से लेकर सिरम टोली चौक तक आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ फ्लाईओवर का काम और बताने वाला हूँ पूरा डिटेल कि कितना लागत में ये बन रहा है और कितना एकड़ में ये बन रहा है। तो वीडियो में बने रहे, आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर देखें जरूर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि सिरम टोली से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन कॉलोनी तक ये फ्लाईओवर 4 लेन का होगा। वहीं राजेंद्र चौक से नेपाल हाउस की ओर उतरने वाला फ्लाईओवर का हिस्सा 2 लेन का होगा। 4 लेन वाला फ्लाईओवर की लंबाई 1632 मीटर और 2 लेन वाले की लंबाई 295 मीटर होगी। सिरम टोली से राजेंद्र चौक तक फ्लाईओवर निर्माण के लिए लगभग 1.25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसमें सिरम टोली में 0.51 एकड़ और राजेंद्र चौक पर 0.81 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गया है। यह भूमि सरकारी है। वहीं राजेंद्र चौक के पास 0.1 एकड़ निजी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। सिरम टोली के पास प्रस्तुत भूमि के सिर्फ 4 दीवारी हटाने का आवश्यकता है, जमीन मिल जाएगा। वहीं राजेंद्र चौक की और फ्लाईओवर के लिए जेप ग्राउंड वन विभाग के कार्यालय डीआईजी आवास की 4 दीवारी का अधिग्रहण, 4 मीटर भूमि व एक पुराने मकान का अधिग्रहण किया जाएगा। पर्थ निर्माण विभाग ने फ्लाईओवर निर्माण पर लगभग 200 करोड़ रुपया खर्च करने वाला है। इसमें कंस्ट्रक्शन पर सबसे ज्यादा 147 करोड़ रुपया खर्च करने का योजना है। यूटिलिटी शिफ्ट पर 20 करोड़, विस्तार और पुनर्वास पर 11.45 करोड़ और वर्तमान सड़क के विकास पर 8 करोड़ रुपया खर्च होंगे। इसके अलावा भूमि विधा अधिग्रहण के लिए 13.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन की सरकारी दर से दुगना प्रदान किया जाएगा। फिलहाल फ्लाईओवर के लिए प्रस्तावित जमीन का सरकारी मूल्य 11.31 लाख रुपया प्रति डिसमिल है, यानी लगभग 23.25 लाख रुपया प्रति डिसमिल अधिग्रहण पर खर्च होंगे। फ्लाईओवर के बनने जाने के आम लोगों के सड़क जाम की समस्या से निजात मिलेगी। सो गाइस आप देख सकते हैं लगभग यहां पर सारा पिलर अभी तक आप लोगों ने देख चुका होगा, कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को आगे भी दिखलाने वाला हूं क्योंकि ऊपर का भी काम बहुत ही जोर में चल रहा है और वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये देख सकते हैं, ये सामने डोरंडा SBI बैंक का नज़ारा है। ये डोरंडा ओवर ब्रिज अब हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर का भी काम स्टार्ट हो चुका है जो कि बहुत ही जोर में चल रहा है। अभी हम लोग डोरंडा खुकड़ी पेट्रोल पंप के पास पहुंच चुके हैं जहां पे आप सामने देख सकते हैं वहां का नज़ारा कुछ इस तरह है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये डोरंडा खुकड़ी पेट्रोल पंप का नज़ारा है।
जैसा कि आप लोगों को बता दो कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रांची से हर अपडेट वीडियो देने की कोशिश करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही रांची से हर अपडेट वीडियो आप लोगों तक मिलता रहे। सो गाइस, आप देख सकते हैं अब हम लोग पहुंच चुके हैं राजेंद्र चौक। ये राजेंद्र चौक का सामने का नज़ारा कुछ इस तरह है। अब हम आप लोगों को लेके चलने वाले हैं राजेंद्र चौक होते हुए ओवर ब्रिज होते हुए निवारणपुर, और निवारणपुर होते हुए आप लोगों को लेके चलने वाले हैं पटेल चौक, जहां पे सिरमटोली चौक तक फ्लाईओवर का काम चालू है। तो वीडियो बने रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। आज वीडियो में बहुत ही मजा आप लोगों को आने वाला है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये डोरंडा कब्रिस्तान का सामने का नजारा है। यहाँ पर भी आप सामने देख सकते हैं, सारा पिलर कंप्लीट हो चुका है, बस सिर्फ काम ऊपर का बाकी है। क्योंकि आप लोग बता दो, अभी रांची शहर में 3 फ्लाईओवर काम एक साथ चल रहा है। पहला फ्लाईओवर कांटा टोली चौक, दूसरा फ्लाईओवर डोरंडा फ्लाईओवर, और तीसरा रातू रोड फ्लाईओवर का काम चल रहा है। आप लोगों को बता दूं कि तीनों फ्लाईओवर का काम बहुत ही जोर में चल रहा है, और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को तीनों फ्लाईओवर का अपडेट देने वाला हूं। सबसे चैलेंजिंग फ्लाईओवर आप लोगों को सिरम टोली से डोरंडा मेकॉन चौक तक होने वाला है, क्योंकि ये फ्लाईओवर सिरम टोली से मेकॉन चौक तक फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनने वाला है, और ये रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बाद ये ऊपर से फ्लाईओवर बनके कंप्लीट होने वाला है, और बहुत जल्द रांची वालों के लिए ये खुशखबरी मिलने वाला है। वीडियो में बने रहें, अभी हम आप लोगों को थोड़ी देर में ओवर ब्रिज के नीचे से लेके पटेल चौक तक लेके चलने वाला हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं पटेल चौक। ये पटेल चौक का नज़ारा कुछ इस तरह है। यहाँ पर भी अभी देख सकते हैं, यहाँ पर भी पिलर का काम चालू हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे आप ब्रैकेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ। ये मंदिर का सामने का नज़ारा है, ये मंदिर का सामने ये पिलर का काम चालू है। अभी आप लोग आगे लेके चलने वाले हैं सिरम टोली चौक तक, और वहाँ भी दिखलाने वाले हैं कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है। अब हम सिरम टोली चौक तक जाने वाले हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, अभी इसके ऊपर का काम भी, यहाँ पर पिलर का ऊपर का काम बहुत ही जोरों से चालू हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये पूरा ऊपर का नज़ारा आप लोगों को दिखला रहे हैं। काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा ये पिलर बन चुका है, क्योंकि ये 4 लाइन
फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये देखिए इतना बड़ा यहाँ पर ये किरान के मदद से ऊपर का हिस्सा को रखा जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा ये मशीन, ये बहुत ही बड़ा ये देख सकते हैं किरान आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। इसी के मदद से ये ऊपर का भाग उठा के रखा जाता है और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ऊपर का काम देखिए चालू हो चुका है, ऊपर का भी अब बेस यहाँ बनने लगा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये देख सकते हैं ये ऊपर का हिस्सा है, जो कि बड़ा सा एक ट्रक में जो ट्रेलर है उसमें लोड होके आया हुआ है। ये भी ऊपर का हिस्सा है जो मशीन के द्वारा, वो किरान के द्वारा ऊपर लगाया जाएगा। आप ये देख सकते हैं काफी बड़ा ये मशीन ट्रेलर में लगा हुआ है, लोड बारिश हो रहा है। फिर भी मैं ये वीडियो बनाने के लिए आज यहाँ पे आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।